हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दीप शीतु हैंडीक्राफ्ट्स। अब तक हमने तोते की बॉडी बनाई है, आज हम इसके पंख बनाएंगे। ग्रीन कलर के चार मोतियों को हमें सुई में डाल देना है। फिर पहले वाले मोती में से सुई को निकालेंगे। यहाँ पर और तीन ग्रीन मोती डालेंगे। धागे की अपोजिट साइड से हमें सुई को निकालना है। यहाँ पे तीन ग्रीन मोती डालेंगे। इसी तरीके से हम आगे तीन ग्रीन मोती डालकर और तीन टाइम बना लेंगे। इस तरीके से हमें बना लेना है। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, यहाँ पर छः बार बनाया है। अब हम सुई को ये वाले मोती में डालेंगे। यहाँ पर तीन ग्रीन मोती डालेंगे। फिर धागे के अपोजिट साइड से ये दोनों मोतियों में से सुई को हमें निकालना है। यहाँ पे दो ग्रीन मोती डालेंगे। फिर यहाँ पर दो दो मोती डालकर हमें सिक्स बार वैसे ही सेम तरीके से बना लेना है। यहाँ पर लास्ट वाले में हम तीन मोती डालेंगे। फिर सुई को इस वाले मोती में डालेंगे। यहाँ पर तीन मोती डालेंगे। फिर ये वाले मोती में डालेंगे। यहाँ पर तीन मोती डालेंगे। फिर धागे को घुमाते हुए हमें इस साइड लेके आना है। यहाँ पर दो ग्रीन मोती डालेंगे। फिर दो दो मोती डालकर हमें ये इस वाले मोती तक बना लेना है। ये तोते का पंख बनकर रेडी हुआ है। अब हम इसको तोते में कैसे जोड़ते हैं ये सीखेंगे। इसके लिए हम पंख को ऐसे रखेंगे और ये लास्ट वाला रेड मोती है वहाँ से एक दो तीन तीसरे वाले मोती में हमें यहाँ पर इसको जोड़ देना है। इसके लिए पहले मैं एक रेड वाला मोती डालूंगी। एक दो तीन, फिर हम ये तीसरे वाले मोती में से सुई को निकालेंगे। इस तरीके से धागे को खींच देंगे। यहाँ पे और एक रेड मोती डालेंगे। फिर ये आगे वाले दो मोतियों में से हमें सुई को निकालना है। यहाँ पे एक रेड मोती डालेंगे। आप चाहे तो ग्रीन मोतियों से भी जोड़ सकते हैं। फिर ये वाले मोती में निकालेंगे। ऐसे ही हमें पूरा पंख को सिलाई कर देना है।
फिर यहाँ पर हम दो तीन बार गांठ लगाकर धागे को काट देंगे। इस तरीके से हमारा तोता बनकर रेडी हुआ है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।